जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आपका बहुत आभार है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इन लोगों से भोलेनाथ होते हैं नाराज़, क्योंकि भोलेनाथ की कृपा हर एक व्यक्ति चाहता है और आप सभी पर ईश्वर की कृपा बनी रहे, बाबा भोलेनाथ की कृपा बनी रहे, मैं यही शुभकामनाएँ देता हूँ, यही भगवान से प्रार्थना करता हूँ। लेकिन आज ये टॉपिक थोड़ा सा यूनिक इसलिए है क्योंकि ये बातें अगर आप जान जाएंगे या इन बातों को आप थोड़ा सा गंभीरता से समझ लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके शायद कई सारे जो प्रश्न हैं उनका भी समाधान मिल जाएगा और जो जीवन में आप अपने उतार चढ़ाव या ख़राब दौर से गुज़र रहे हैं या ख़राब दौर कभी आपके जीवन में ना आए उसके लिए आप ये चार गलतियाँ ना करें। और अगर ये चार में से कोई आप गलतियाँ कर रहे हैं तो वो भी आप सुधार सकते हैं, चार पांच जो भी जितनी भी गलतियां हैं जो जिन इन लोगों पर भोलेनाथ की कृपा नहीं रहती है। तो उससे पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन कर लूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। वो इसलिए सब्सक्राइब करें क्योंकि आपको ज्योतिष से रिलेटेड सकारात्मक वीडियोज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता भरते हैं और आपको हमेशा नई नई जानकारी उपलब्ध करवाते हैं। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसके साथ साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी कुंडली का एनालिसिस मुझसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे बात कर सकते हैं। अब हम आते हैं मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात कि भोलेनाथ सबसे ज़्यादा जो नाराज़ होते हैं वो वह लोग होते हैं जो महिलाओं की इज्जत नहीं करते हैं। अब यहाँ से पूरे वीडियो को बहुत बारीकी से समझना और चीज़ों को समझना, क्योंकि भोलेनाथ जो हैं वो अर्धनारीश्वर स्वरूप में हैं और जितना जो भी व्यक्ति महिलाओं का अपमान करेगा समझेगा कि भोलेनाथ की कृपा उस पर चाह कर भी नहीं हो सकती। उन्होंने माता के सामने खुद आत्मसमर्पण कर लिया था। तो भोलेनाथ जो हैं उन्हीं लोगों पर कृपा होती है जो लोग महिलाओं की बहुत इज्जत करते हैं, सम्मान करते हैं, घर सब महिलाओं के प्रति अंतरात्मा से इज्जत करते हैं। दूसरे वो लोग जो लोग ईश्वर के नाम पे या भोलेनाथ के नाम पर नशा करते हैं कि बाबा भोलेनाथ तो ऐसा करते थे, ये सब सही नहीं है। आप अपने भोलेनाथ कभी भी हमारे शरीर को जो हार्म पहुंचाने वाली चीज़ों का कभी वो समर्थन नहीं करते हैं। जो नशा करने वाले लोग होते हैं वो उनका हवाला लेकर ये चीज़ें करते हैं क्योंकि वो खुद को सही साबित करना चाहते हैं, पर ये सही नहीं है। उन लोगों से कभी भी भोलेनाथ या कभी भी ईश्वर खुश नहीं होगा। तीसरे वो लोग जो लोग इस प्रकृति की सकारात्मकता पर कभी ध्यान नहीं देते, मतलब सीधी सी बात है जो नेगेटिव वे में जाते हैं, जो नकारात्मक रहते हैं, उन पर ईश्वर की कभी कृपा नहीं हो सकती। इसलिए जितना हो सके उतना पॉजिटिव रहें, क्योंकि जो शिव है वो प्रकृति है, आप खुद हैं उसका अंश है, क्योंकि इस दुनिया को बनाने वाली शक्ति तो वही है। इसलिए आप सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और कोई भी नेगेटिव थॉट्स, नकारात्मकता जितनी भी है उनसे आप दूरी बना कर रखें। चौथी बात है आप आनंद में रहें, मस्ती में रहें, उसके साथ साथ ही ईश्वर का जप करें, अपने गुरु मंत्र का जप करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ओम नमः शिवाय।